हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इन टीचर क्लास सेवेंथ सब टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स से पहले हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स की बात करते हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स इज रिपीटेड एडिशन। इट मींस 5 + 5 + 5, आप क्या लिख सकते हो इसे? इसे हम लिख सकते हैं 15। अब यहाँ पे देखिए, रिपीट करने वाला नंबर क्या है? 5 कितने बार रिपीट करता है, कितने टाइम्स रिपीट करता है? 1, 2, 3, जितने टाइम रिपीट करता है उसे आगे रखिए। और जो नंबर है जो रिपीट करता है 5, ये भी 15 के इक्वल है। अगर आप नंबर लाइन पे देखना चाहो इसे, मान लो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हैं हम, ये मान लो 5 आ जाएगा, फिर 5 में फिर 5 को ऐड किया तो 10 आ जाएगा, फिर इसमें किया तो 15। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो आपका 3 × 5 किसके इक्वल होगा? 15 का। 3 का टेबल 5 पे ले जाइए, ठीक है? 3 × 5 = 15। तो क्या होता है मल्टीप्लिकेशन? मल्टीप्लिकेशन इज जस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ, हम अगर होल नंबर की बात करें, मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स इज रिपीटेड एडिशन। ओके, नाउ वी कम ऑन द टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। आइए देखते हैं। दोनों पॉजिटिव है तो नो प्रॉब्लम, दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है तो नो प्रॉब्लम। अभी देखिए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर। अगर हम एक पॉजिटिव इंटीजर गिवन है, एक नेगेटिव इंटीजर गिवन है, उसकी मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे? आइए देखिए, ये एक नंबर लाइन है। जैसा कि आप जानते हो, नंबर लाइन, जैसा कि इसको संख्या रेखा भी बोल सकते हैं हिंदी में। अब मान लीजिए मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ, -5, मैं ऐड करता हूँ अगेन -5 से -10, अगेन 5, फिर मैं -10 से फिर 5 आगे चलता हूँ, फिर अगेन 1, 2, 3, 4, 5 ऐड करता हूँ। तो हम कहाँ पे आगे रुकते हैं? हम -15 पे रुकते हैं। इट मीन्स अगर हम -5, -5, -5, all three numbers have the same sign, क्या? नेगेटिव। जब थ्री नंबर्स नेगेटिव में होते हैं वो सिंपली ऐड हो जाते हैं, 15, और साइन क्या है? माइनस, तो माइनस आगे लग जाता है। तो इट मीन्स -15 नंबर लाइन से तो हम देख पा रहे हैं कि भैया -15 के इक्वल है, बट इसको हम लिख क्या सकते हैं? -5, -5, -5, हाउ मैनी टाइम्स? 3 times। 3 times है, 3 को यहाँ पे आगे रखिए, आप मल्टीप्लाई कीजिए -5। इट मीन्स एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर की मल्टीप्लीकेशन क्या होती है? सिंपली हम उनको दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 × 5 = 15, और माइनस आगे पुट कर देते हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि अगर जैसे हमने यहाँ पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव की मल्टीप्लाई की, क्या हम नेगेटिव को आगे रख लें और पॉजिटिव को पीछे रख लें, क्या उससे कोई रिजल्ट पे फर्क पड़ता है? देखिए, आइए इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं, उस एक्टिविटी को देखते हैं। जैसे हम जानते हैं 3 × 5 क्या होता है? 15 होता है। 3 × 5 अगर 2 × 5 लेते हैं तो क्या होता है? 10। 10 को क्या लिख लेते हैं? 15 - 5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। फिर क्या लेंगे? 1 × 5 = 5 तो 5 को क्या लिख सकते हैं? 10 - 5 फिर क्या जाएगा? 0। 0 × 5 क्या लिख सकते हैं? 0। इसे क्या लिख देंगे? 0 को 0, 5 माइनस
फाइव, ठीक है, जीरो। फिर यहाँ पे माइनस वन आ जाएगा, माइनस वन इंटू फाइव क्या जाएगा, जीरो माइनस फाइव। कैसे आया माइनस फाइव, जीरो में से फाइव को माइनस करेंगे। फाइव को माइनस क्यों करेंगे, पॉजिटिव फाइव को, क्योंकि हर बार हम फाइव फाइव माइनस करते जा रहे हैं, तो जीरो में से जब प्लस फाइव को माइनस करेंगे माइनस फाइव आ जाएगा। और माइनस टू मल्टीप्लाई फाइव, ये भी क्या बन जाएगा, माइनस टेन। इट मीन्स फाइव में से माइनस करेंगे प्लस फाइव को, ठीक है, ये आ गया माइनस टेन। अगेन माइनस थ्री इंटू फाइव, तो ये क्या मिलेगा, माइनस फिफ्टीन। कैसे मिला, जब टेन में से हम माइनस करेंगे, टेन में से माइनस करेंगे, माइनस टेन में से माइनस फाइव को माइनस कर, सॉरी माइनस टेन में से फाइव माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस फिफ्टीन। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि ऑर्डर ये फ्रॉम वन एंड फ्रॉम टू, फ्रॉम वन एंड फ्रॉम टू, वी कैन से ऑर्डर डजंट मैटर। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इंटीजर्स के बीच में तो साइन मैटर नहीं करता और ऑर्डर भी मैटर, सॉरी साइन तो मैटर करता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। ऑर्डर मतलब आप इसे आगे रखिए पॉजिटिव को या पीछे रखिए। जैसे यहाँ पे थ्री इंटू माइनस फाइव है, माइनस फिफ्टीन आया है, यहाँ पे माइनस थ्री है और इंटू फाइव है तो माइनस फिफ्टीन आया है। इसलिए इसलिए हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर थ्री मल्टीप्लाई माइनस फाइव इज इक्वल टू माइनस फिफ्टीन, आल्सो माइनस थ्री इंटू फाइव। यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव मल्टीप्लाई की, यहाँ पे क्या किया, नेगेटिव टू पॉजिटिव मल्टीप्लाई, दोनों से सेम आंसर आया है। तो इससे हम एक रिजल्ट पे, जनरली एक रिजल्ट पे पहुँचे हैं, उस रिजल्ट को लिख सकते हैं। क्या रिजल्ट लिख सकते हैं इससे, इससे रिजल्ट लिख सकते हैं हम, इससे रिजल्ट जाता है आपका कि यहाँ पे कोई नंबर है ए, ए की मल्टीप्लाई कीजिए माइनस बी से तो क्या आएगा, माइनस ए बी, माइनस बार आ जाएगा, दोनों नंबर का प्रोडक्ट हो जाएगा, इक्वल टू माइनस ए इंटू बी, ठीक है। तो इन जनरल क्या कह सकते हैं कि ऑर्डर डजंट मैटर, ऑर्डर क्या है, मैटर नहीं करता। नेगेटिव की पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कीजिए या नेगेटिव टू पॉजिटिव करिए, पॉजिटिव टू नेगेटिव करिए, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे हम टू पॉजिटिव नंबर्स की करते हैं, सेम उसी तरीके से हो जाएगा। बट एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तो उस केस में क्या करेंगे हम, नेगेटिव दोनों का प्रोडक्ट होने के बाद, प्रोडक्ट के बिफोर, पहले प्रोडक्ट से पहले, इट मीन्स ए और बी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, एक नेगेटिव है पॉजिटिव है, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे और माइनस आगे पुट कर देंगे। अब हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नेगेटिव नंबर्स। Suppose let हमें इनका प्रोडक्ट निकालना है, माइनस थ्री माइनस टू प्रोडक्ट क्या होता है। हम स्टार्टिंग करते हैं जैसा कि हम प्रूव कर चुके हैं, हम जान चुके हैं, क्या जान चुके हैं कि माइनस थ्री इंटू फोर क्या होता है, माइनस ट्वेल्व, बिल्कुल ठीक, ठीक है। अब एक हम पैटर्न बनाते हैं, पैटर्न बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, माइनस थ्री
और इसको डिक्रीज कर देते हैं वन से कम कर देते हैं इसको थ्री। तो इसको क्या लिख सकते हैं कि आपका माइनस थ्री कम हो गया इसमें से, माइनस थ्री कम हुआ ना। अब ये क्या है, माइनस थ्री फोर टाइम मान सकते हैं, तो क्या होगा इसमें, अब थ्री टाइम्स हो गया, तो इसमें से माइनस कर देंगे किसको, माइनस थ्री को। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस फिफ्टीन प्लस थ्री इट बिकम्स नेगेटिव नाइन। आगे माइनस थ्री इंटू टू, अब कितना कम हुआ था यहाँ पे, माइनस थ्री, यहाँ भी माइनस थ्री कम कर देंगे, माइनस नाइन माइनस माइनस थ्री इट बिकम्स माइनस नाइन प्लस थ्री इज इक्वल टू माइनस सिक्स। अगेन माइनस नाइन इंटू वन इट बिकम्स, अब कितना है, माइनस सिक्स, माइनस सिक्स में से क्या कम करेंगे, माइनस थ्री, माइनस सिक्स प्लस थ्री इट बिकम्स माइनस थ्री, माइनस थ्री इंटू जीरो इट मीन्स यहाँ पे क्या है, माइनस थ्री, माइनस थ्री में से क्या करेंगे, माइनस थ्री माइनस करेंगे, क्यों करेंगे माइनस थ्री, देखिए माइनस ट्वेल्व है, माइनस ट्वेल्व, अब यहाँ पे माइनस थ्री कितने टाइम है, फोर टाइम है, माइनस थ्री कितने टाइम रह गया, थ्री टाइम, तो ये माइनस जो थ्री है इसको माइनस करेंगे ना, बट माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अगर ये जानना चाहते हो क्यों हो जाता है तो आप वीडियो नंबर टू या थ्री देखिए, उसमें हम कर चुके हैं। इट बिकम्स माइनस थ्री, माइनस माइनस प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये क्या हो गया, जीरो हो गया। अब आइए हमें नेगेटिव टू नेगेटिव करना है ना, तो हम वहीं पे जाएंगे, यहाँ तक जाना पड़ेगा, आप इसको तो फिक्स रखिए आप माइनस को, पॉजिटिव वाले को एक 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 कम करते चलिए, यहाँ तक आना है हमें, तो यस माइनस वन, दोनों माइनस दो साइन तो ब्रैकेट में ले सकते हो नेगेटिव को, अगर आप रखना चाहो तो वैसे भी रख सकते हो बट ये बेटर है। क्या जाएगा, अब जीरो है, जीरो में से क्या करेंगे, माइनस थ्री, किसको करेंगे, माइनस थ्री को। तो जब हम जीरो में से माइनस थ्री को माइनस करेंगे तो इट बिकम्स क्या, पॉजिटिव, माइनस थ्री इंटू माइनस टू, फिर क्या, प्लस थ्री, प्लस थ्री में से क्या करेंगे, माइनस थ्री, एवरी टाइम वही करना ना माइनस थ्री, तो इट बिकम्स थ्री प्लस थ्री इज इक्वल टू सिक्स। तो इन केस ऑफ टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स वी कैन से, क्या कह सकते हैं कि भाई आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, टू थ्री जा सिक्स, और प्रोडक्ट करने के बाद प्रोडक्ट से पहले आप पॉजिटिव साइन लगा दीजिए बिकॉज पॉजिटिव सिक्स आता है, और यहाँ पे आपका क्या है, दोनों नेगेटिव इंटीजर है, तो प्रोडक्ट जब होगा तो सेम, इट मींस यहाँ भी आप कह सकते हो इन जनरल, सिमिलरली आप इसके लिए भी सेम आएगा, इसके लिए आप खुद करके देख सकते हो। तो इन जनरल क्या कह सकते हैं कि माइनस ए इंटू माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए बी, सॉरी प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस इज इक्वल टू माइनस बी इंटू माइनस ए, ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, कल हम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।